वीडियो में जहां पर हम खेलते हैं पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू का जीवी वर्जन एंड ये है एपिसोड नंबर 3। तो अगर आपको याद हो लास्ट एपिसोड में हमने हराया था ब्रॉक को एंड ब्रॉक के हराने के बाद हमें मिला था रॉक जिम बैच एंड इसके बाद हमें चाहिए वाटर जिम बैच। यहां से मेरा जाने का मन तो नहीं कर रहा था बट हम जाएंगे। सो अगर हमें मिस्टी के पास जाना तो इसे हम क्रॉस करना पड़ेगा बट हमें मिलती है रास्ते में ये मोहतरमा जिनसे होती है हमारी फाइट एंड इसका एक पोकेमोन होता है ग्लूम कतई खतरनाक कतई बकवास पोकेमोन ठीक है। और इससे भी खतरनाक और बेकार पोकेमोन तो वो होता है जिगलीपफ यार वो सुला सुला के मारती है। खैर कोई बात नहीं बहुत मेहनतों के बाद मैं उसे हराया और वापस से गया नर्स जोय के पास और अपनी सारी पोकेमोन्स को हील करके वापस आया और इससे नजरें मिला रहा। देख तू हुई थी ना जो मुझे चैलेंज करी थी। खैर सो अब जाते और ये तुझे भी खुजल है क्या। चलो मैं तुम्हें इसका बैटल दिखाता हूँ। उसको तो बहुत बोरिंग बैटल था इसलिए मैंने तुम्हें दिखाया नहीं यार। मैं खुद बोर हो गया क्या सुला रही है यार क्या कर रही है तू। खैर सो इसके पास भी तीन पोकेमोन से जिनमें सारे के सारे बग्स टाइप ही होंगे एंड सच से ये हमें मिला था लास्ट टाइम। तो यहाँ पर अच्छा है वैसे इलेक्ट्रिक टाइप काम करेगा का जो टैकल काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि 12 लेवल का ये क्या ही खतरनाक होगा। खैर कोई बात नहीं। तो ये स्ट्रिंग शॉर्ट्स है ठीक है और इससे क्या होता है कि भाई तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं होने दो। सो एक हम पोकेमोन चेंज करते हैं जहां तक मेरे को लगता है पीजी काम करेगा ना। लेकिन यार मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही थी लास्ट एपिसोड तक कि यार हमारा पीजी 14 लेवल पर इवॉल्व हो सकता मतलब हो जाता है लेकिन नहीं ये होता है 18 लेवल पर इवॉल्व। सो हमें 18 लेवल तक वेट करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं। सो यहाँ पर हमें क्या करना है यहाँ पर ओके ये सुपर इफेक्टिव था वैसे गस्ट अटैक है ना वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है एंड हाँ बग टाइप के लिए तो हो गई। सो देख रहे हो रेड जोन में आ चुका ये कटपी वैसे और एक टैकल से तो चला ही जाता है ना। खैर इसे रखते साइड में एंड एक और पिकाचू अच्छा ठीक है भाई जल्दी से इवॉल्व हो जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा ना। और नाम लिया 15 लेवल हाजिर। सो अब हमें इवॉल्व करने के लिए ज्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी बट हमें ये देखना पड़ेगा इसका नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा होने वाला है। और जहां तक मेरे को लगता है भाई या मतलब ऐसे ही पोकेमोन होंगे एंड ये क्या भाई हमारा पोकेमोन वैसे ही कब कोई नया अटैक सीख रहा है एरिया लेस वाओ। तो हमें लियर या फिर फोकस एनर्जी वैसे फोकस एनर्जी मैं यूज नहीं करता पता तुम्हें तो मैं इसे ही रिप्लेस कर रहा हूँ। खैर तो यहाँ पर और कफू सीख चुका है एरियल इज एंड तुम्हें पता है कितना खतरनाक अटैक है यार इससे बात नहीं करते हम ठीक है एंड या एंड पोकेमोन मैं बदलूंगा क्योंकि उसका नेक्स्ट पोकेमोन बीडल होने वाला मे बी। सो कफू का यूज करने वाला एंड देखने वाला कि इसका जो एरियल इज है ना वो कितना खतरनाक होने वाला है एंड कितना खतरनाक वैसे मतलब काफी हद तक असर नहीं करेगा बिकॉज वो बग टाइप है लेकिन हमारे आगे कोई भी मैटर नहीं करता हमें तो बस खत्म करना है। सो बीडल मुझे पता था भाई मैंने पहले गेस कर लेता नाम लिख कर आया था तभी मैंने पढ़ा ओके। सो ये वो सुपर इफेक्टिव ये स्ट्रिंग शॉट इसके अलावा तुम्हारे पास कोई अटैक नहीं है क्या। वैसे यार तुम बताओ 14 लेवल का कौन सा बीडल रहता है वो तो बीडल में भी विकसित हो जाएगा। खैर सो एक रॉक स्मैश से तो खत्म हो ही जाना चाहिए ना और वैसे भी कीड़ा है भाई क्या ओके स्ट्रिंग शॉट भाई क्या कर रहा भाई क्या करके मानेगा तू एंड कफ स्पीड फेल कुछ पता भाई ऐसे ही होने वाला है। सो रॉक स्मैश करके जाएगा क्या ओ ये क्या होगा भाई बच्चा कैसे तू ये बता पहले मतलब मजाक नहीं यार मेरे को नहीं लगता था कि तू बचेगा भी। सो एक स्ट्रिंग शॉट मेरे को नहीं लगता कि इतना प्रो प्लेयर भी होगा मुझे लगा थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी मुझे इसलिए मैं तुम्हें ना बैटल ज़्यादा दिखाता नहीं हूँ इन जंगलियों का भाई एकदम खतरनाक और बोरिंग सा मैच कर देंगे और बस खत्म क्या फ़ायदा कोई बात नहीं फ़ायदा तो हुआ ना। सो अब इसका नेक्स्ट पोकेमोन जो भी होने वाला है बटरफ्ली भी विकसित होने वाली है कितना विकसित होगा मैगोल्यूशन दे देंगे क्या। सो अब इसका जो बटरफ्ली हम चूज़ करने वाले हैं पीजी को ही बिकॉज उसका जो नेक्स्ट पोकेमोन होने वाला है सच मेटापोड होने वाला है एंड आई थिंक तो आने वाला है उसका न्यू पोकेमोन एंड वो ककुना होने वाला है लेकिन हम उसे मारेंगे जरूर और शायद से गेस्ट में इसका काम तो खत्म हो ही जाए कितनी एचपी जाएगी 50% प्लस एचपी गई। खैर कोई बात नहीं अच्छा ही है। सो नेक्स्ट अटैक कौन सा भाई इनके पास ऐसे ही अटैक्स होते हैं क्या स्टिंग शॉट्स हार्डन वार्डन बस। सो देखो फिजिकल अटैक तो काम नहीं करेगा लाइक क्विक अटैक वगैरह ये सब जो है वैसे हार्डन पे तो भाई मैं भी क्या अटैक यूज कर रहा हूँ। खैर एक और गश्त करेंगे एंड शायद से उसमें इनको बहुत भारी मात्रा में एचपी की लॉस हो सकती है। सो मे बी बस हो जाए मुझे पता था भाई ऐसे ही अटैक्स काम करने वाले। खैर कोई बात नहीं सो अभी हम ये मैच भी जीत चुके हैं एंड तुम बताना कि मुझे पीजी को पिजियोटो में इवॉल्व करने में कितना टाइम लग सकता है बस कॉमेंट में बता दो ठीक है।
सो यार जहाँ तक मुझे लगता है कि ये बग टाइप मुझे पिछले मतलब जो बंदा था ना बोल रहा था कि भाई हाँ ये वार्डियन फॉरेस्ट में मुझे मिला था। सो मैं तुम्हें सारे के सारे वार्डियन मतलब जितने भी फॉरेस्टर हैं यहाँ पर सभी को हरा कर दिखाता हूँ। सो यहाँ पर एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो मुझसे नजरें मिला सकता। अभी देखो मैं रास्ते के सारे कांटे को साफ करके आ चुका हूँ। एंड जहाँ तक मेरे को लगता है यहाँ पर पोकेमॉन्स भी बहुत सारे, देख रहे हो ऊपर मेरा हॉर्न है और ये सैंडस्लैश है, एंड इधर बहुत सारे एकेंस और ये भाई स्पेयरो कभी नहीं पकड़ूंगा, मेरा दिमाग खराब कर रखा है फेरो ने। खैर सो यहाँ पर ये मोहतरमा भी अभी हार चुके हमसे और मैंने सामने से, और ये क्या ओके लौंडा कुछ करना चाहता है क्या? नहीं, और ये यहाँ पर इतने पोकेमॉन्स क्यों है यार? ये सब मैंने देखा है। एंड तुम सोच रहे हो कि आगे जाओ 30 पोकेमॉन 35 पोकेमॉन पकड़ो, नहीं वो नहीं करना अपने को। सो आगे चलते हैं, आगे का रास्ता खुला। ये क्या सेलिब्रिटी वाला रास्ता है क्या ऐसे करके? ओके ये कौन है? मतलब रूट 4 है ना, और ये बच्ची कौन है? हेलो हेलो बच्ची, क्या आपको मेरा नाम पता है? पता है क्या आपको? अबे छोटी बच्ची हो क्या? बताओ यार नर्स जो ऐसे नहीं, अब वो नहीं करना, पिछले दोनों एपिसोड में मैंने यही किया। अब नर्स जो आपको सीधा जवाब देना पड़ेगा। आप मुझे अच्छा लगता है ये नहीं पता नहीं, चलो बाबा किसी और दिन बात करेंगे ओके ना, आज के लिए बस इतना ही। ऊपर चलकर थोड़ी बहुत छेड़ बनी। ओके मोहतरमा क्या हाल चाल है आपके? आऊँ पास? ओके खुद बुला रही है एंड ओके कोई बात नहीं। वैसे अंदर जा सकते हैं क्या? मैंने कभी ट्राई नहीं किया इसके अंदर। हम जा सकते नहीं जा सकते, मुझे पता था नहीं जा सकते और गलत बात है यार, हमें जाना चाहिए था। उसके बाद कोई बात नहीं छोड़ो, अब हम फोकस करने वाले हैं मिस्टी के बैच पर। हमें चाहिए नेक्स्ट बैच, यानी कि सीरियन सिटी का होता है शायद से वो। एंड मेरा मन नहीं कर रहा बाहर जाने का। कोई बात नहीं चलते हैं, ठीक है? अरे गुफा को क्रॉस करना पड़ेगा क्या? और ये बुढ़ाऊ क्या करना चाह रहा है भाई? ओके सो ये बूढ़ा हमसे बोल रहा है कि भाई तुम अपने किसी भी पोकेमोन का नामकरण करवा सकते हो मुझसे। तो मैंने सोचा चलो बटरफ्ली का नाम करते हैं और एक क्यूट सा नाम रखते हैं। एंड हम इसका नाम रखने वाले हैं, सोचो सोचो, नहीं जो कि तुमने अभी तक नहीं किया होगा वीडियो को, मैं वही नाम रखने वाला हूं, लाइक। जी हाँ लाइक करो वीडियो को। और दूसरा नाम रखूंगा मैं सब्सक्राइब, भाई वो बाद में सोचेंगे, बट अभी तक के फिलहाल लाइक नाम अच्छा ही लग रहा है हमें, है ना? तो फटाक से लाइक कर दो। और वैसे भी तुम्हें पता है कि लाइक इतना बेहतर नाम है, मेरे को तो ऐसे ही लगता है ना। चाहिए और बस हो गया यार, इतना छोटा सा नाम अच्छा नाम है ना। सो बार बार बोलेगा कि भाई लाइक्स यूज, ये लाइक्स यूज, वो लाइक्स यूज। सो ये एम्प्टी मून माउंट है क्या? चलो घसते हैं। एंड यहाँ पर भाई क्या है ये? और ये मोहतरमा क्या लड़ाई कर रही है? ये नहीं, और यहाँ पर अच्छा ये पोकेबॉल है क्या? मास्टर बॉल शायद से, या फिर कोई बॉल ही होगा ना, लग तो वही रहा है, बट नहीं ये कोई आइटम भी हो सकता है। लग भाई ये है अच्छा TMS09 है ये, तो इससे मुझे नहीं पता क्या ही होता है, यूज करेंगे जब कभी हमें पता चलेगा। और ये किसी पोकेमोन को दिया जाता है, और ये लड़का भाई बैटल करेगा क्या? एकदम आजा कर ले फिर, नहीं करेगा ये नहीं। ओके मुझे पता था यार दिमाग खराब करेंगे ये। और वैसे तुम मुझे एक टीम के बारे में बताना है ना, खैर छोड़ो इसे। और ये हमें मिला रास्ते में, सो ये भी बग कैचर है क्या? इट मीन्स इसके पास भी मतलब वही बग टाइप को मोन्स होंगे। ए बैनोनेट, मुझे इससे नफरत है भाई, पता नहीं क्यों, लेकिन ये साइकिक टाइप भी है, मतलब बग टाइप है, लेकिन ये साइकिक अटैक्स भी जानती है, जादुई मंत्र वंत्र। ओके ये क्या है? मेरे फाइटिंग टाइप पोकेमोन पर इतना खतरनाक असर? एक देख रहे हो साइकिक करने पर इतना खतरनाक, वैसे वो कन्फ्यूजन था। खैर कोई बात नहीं, कुछ भी हो, और मैं कन्फ्यूज भी हो गया, वाह गजब बात है। अब तो मैं हिमसेल्फ भी कर सकता हूँ, ये तो और अच्छी बात है, ये बकवास बात नहीं है काफ़ी ज़्यादा। खैर कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन मुझे पता था ऐसे ही होने वाला। खैर इसे रखते साइड में। अब हम कौन सा पोकेमोन चुने बग टाइप के? आई थिंक पिजियोट काम आ जाए, मतलब पिजियोटो काम आ जाए। और भाई माई कसम तुमको, हम तुम्हें बता दे रहे हैं बैनोनेट, जिस दिन हमारा पिजोट पिजियोट में विकसित हो जाएगा ना, उस दिन हम तुमको बताएंगे अच्छी तरीके से। और ये देख रहे हो वर्ल्डविंड, अरे इससे क्या अच्छा चेंज हो गया? मुझे तो फिर ये अटैक ही नहीं सिखाना चाहिए था, वैसे तो मेरा ही घाटा है इसमें ना। और ये ओके बीटरी क्या करो, फ्यूरी अटैक एक करा, वैसे करती जाती है पता है, दो करा और ये फिर से करेगी क्या? नहीं, इस बार हिट 2 टाइम ही है, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं। और ये गस्ट है ना, गेस्ट कॉफी, गेस्ट गस्ट है वो, और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें उसकी तरफ से, है ना? अपने को मारे जा रहे हैं वो लोग, क्या कर रहा है यार? एक क्रिटिकल पड़ गया ना, बस पड़ गया, और क्या, एक और चाहिए बस, है ना? अगर एक और क्रिटिकल पड़ता है तो बस बात ख़त्म वहीं पर। एंड जहाँ तक मेरे को लगता है मैं मरूँगा अब, देखो अगर मैं पॉइजन हो जाऊँ, मुझे पता तो मैं पॉइजन हो जाऊँगा तो मेरा और कुछ नहीं हो पाएगा, तो या यहीं पर मैं जा सकता हूँ। 5 HP लॉस होती है इससे, और मुझे पता था पहले से। खैर कोई बात नहीं, सो नेक्स्ट कौन सा पोकेमॉन चूज करें हम? सो आई थिंक कि बटरफ्ली या फिर पिकाचू को यूज करना चाहिए, बिकॉज बी ड्रिल पर पिकाचू कुछ भी नहीं उखाड़ सकता वो, ठीक है? खैर सो यहाँ पर हम फायर एंड थंडर सॉक करके देखते क्या कुछ असर करता है। सो मे बी एक में मर जाए,
और अगर नहीं मरता है तो फिर भाई मैं समझ जाऊंगा कि इसे डबल किक की जरूरत है। और एक और ये पिन, ये क्या है भाई? और ये क्या है भाई? ए भाई एक में 10 HP छोड़ा बस। अगर ये एक थंडर में मर जाता है तो फिर ठीक है, वरना भाई मैं मरा ना, मर गया। अरे ओ भाई मुझे पता नहीं था मर जाएगा, बट मर गया। खैर सो नेक्स्ट पोकेमॉन मुझे पता है इसका होने वाला है वेनोनेट ही, एंड ये हमारा फर्स्ट बैटल है इस केव के अंदर। सो वेनोनेट को हम कुत्ते की मौत नहीं मारेंगे यार, उसको हम कीड़े की मौत मारेंगे। अब चलो हम मारते हैं। वैसे ये इसको हम क्या सिखा है? हाँ मैं स्टंट स्पोर्ट्स यूज नहीं करता, पता मैं पैरालाइज करके क्या यूज कर लूंगा ना, वैसे भी स्टंट स्पोर्ट्स ज्यादा मेरे काम का नहीं है। फिर इसे तो साइड में रखते हैं। ये फील, अच्छा तो स्टंट स्पोर्ट्स अभी भूल चुकी है हमारी बटरफ्ली, एंड सीख चुकी है गस्ट, या गस्ट ही थी वो। खैर तो अभी हम चूज करने वाले बटरफ्ली को, एंड देखने वाले कि क्या खतरनाक रिस्पॉन्स मिलता है हमारे बटरफ्ली की तरफ से। एंड बटरफ्ली मुझे तो उस पर पूरा भरोसा यार, मतलब तू मत उड़ जियो उस पिंक वाले बटरफ्ली के साथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला कहीं सोच रही है। तो एक मतलब कन्फ्यूजन ही करते हैं, ये भी मेरे को कन्फ्यूजन सी मारी थी, एंड मैं मतलब मारा था एंड मैं भी मारूंगी, मतलब मेरा बेटा फ्री बोल रही है कि मैं भी मारूंगी कन्फ्यूजन सही रे। सो या ये कन्फ्यूजन कर रही है एंड मेरे पे तो ज़्यादा असर नहीं करेगा, या मुझे पता था नहीं करेगा। ओके बट मैं कन्फ्यूज हो सकता हूँ लेकिन हूँ नहीं ना, बस यही बात है, गेस्ट करके देखते क्या काम कुछ होता है। सो लाइक यूज कन्फ्यूज, मैं कंफ्यूज हूँ क्या? और हिमसेल्फ हुआ, मुझे इस बात का डर था कि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ, एंड वही हुआ। खैर कोई बात नहीं, सो बस अगर सामने वाले पर लगता जाता ना तो अच्छी बात होती है वो, लेकिन अगर मेरी बटरफ्ली मर जाएगी तो मेरे पास कुछ ही कम चांस रहेंगे कि मैं और भी पोकेमॉन्स को बुलाकर मार सकूं, बिकॉज रेड जोन में आ गई वो। अब बस एक अटैक की बारी है एंड वो कंफ्यूजन मर जाएगी के नहीं मरी बच गया। सो एक कंफ्यूजन अपन करेगा और उसका खेल तमाम। अब बोल ना रे वेनोनेट। सो यहाँ पर हम इसे भी डिफीट कर चुके हैं भाई। ये कीड़ा पकड़ू मानव तुम लोग आते कहाँ से हो यार, ये बताओ? जब तुम हार ही जाते हो तो फिर क्या ही फायदा तुमसे बैटल करने का? अपने पोकेमोन को लेवल अप नहीं करना है क्या? करना तो है भाई, करना है। सो यहाँ पर हमें मिल चुका है एक पैरालाइज हिल, जहाँ पर हम और ये अबे हटना क्या कर रहा है, हट रहा है। अच्छा भाई सब ये रास्ता, और ये भाई ओ मेरे मुंह से निकल गए। उसके बाद मेरी बैटल होती है बहुत सारी मोहतरमा ऐसे बहुत सारे अंकलों से, जिनके पास ऐसे ऐसे पोकेमोन्स होते हैं, किन्हीं के पास दो, किन्हीं के पास तीन, और किन्हीं के पास तो पोकेमोन ही नहीं होते। खैर सो उसके बाद क्या होता है, मेरे को रास्ता मिलता है एक एस्केप रोप, और मैं सोचता हूँ इसे यूज करके मैं पार हो जाऊंगा गुफा के, बट नहीं, वो हमें फेंक देता है गुफा के रोड पर, यानी कि जहाँ से हम आए थे। ये क्या बात हो गई? खैर कोई बात नहीं, फिर हम बहुत मुश्किल से वो रास्ता ढूंढते हैं और हमारे पिजगॉट विकसित होती है पिजगॉटों में, मतलब पिजी विकसित होती है पिजगॉटों में। खैर थोड़ी देर बस और को, एंड देन क्या, और उसके बाद फिर रास्ते में मिलता है एक ऑनिक्स, एंड जिन्हें मैं पकड़ने की कोशिश भी करता, और ये देखो मर गया मैं, इसमें मेरी गलती नहीं है सच बताऊं। सो रास्ते में मुझे एक टीम रॉकेट मिलता है, एंड इससे पहले भी वो मुझे मिलता है रास्ते में, और लेकिन अगर मेरे पोकेमोन की HP कम नहीं होते तो मैं इसे कुत्ते की मौत मार सकता था, बट इसी ने मेरे को मार मुड़ कर वापस भेज दिया। लेकिन मैं आ चुका हूँ बदला लेने, और बदला मिलेगा से व्हाट बदला मिलेगा। एयो सो अब इसके पास दो पोकेमोन्स है, एंड बेसिकली इनके पास होने वाला है जू बैट, एंड अपने पास भी है कब। सो फिर भी HP कम है भाई, रास्ते में बहुत सारे लोग मुझे मार मुड़ कर गए, मैंने भी उन्हें मारा, और यहाँ पर मैं गया भाई। ये मतलब विंड अटैक बहुत बेकार होता है। खैर तो अब हम सेकंड पोकेमोन चूज करने वाले हैं, एंड ये हमारा होने वाला है म्यू। भाई मुझे ज़्यादा फालतू नहीं करना, मुझे बस मेगा पंच देना है सीढ़िया। सो या और आते ही चमचमा गई, और भाई म्यू मुझे तुझ पर पूरा भरोसा भाई, तो विकसित कब होगी म्यूटो में, मतलब होती भी है कि नहीं होती? खैर मत हो तू, और वैसे देख रहे हो एक इसका ना जेंडर नहीं दिख रहा, क्योंकि इसके पास सारे पोकेमोन की DNA है ना, तो तुम ये देख पा रहे हो न्यू का कोई जेंडर नहीं दिख रहा कि ये मेल है कि फीमेल। एंड तुम देखो एक मेगा पंच में इसकी 32 बार आ गई, जो भी मेरे को मारा था पिछली बार है ना। खैर सो अब नेक्स्ट पोकेमोन इसका होने वाला शायद से, पता नहीं क्या होने वाला, मैंने पढ़ा नहीं। तो ये सुपरसोनिक सीख रही है हमारा पोकेमोन, यानी कि ये है बटरफ्ली लाइक है ना, तो मैं पॉइजन पाउडर भी यूज नहीं करता, मैं इसे भी रिप्लेस करने वाला हूँ। जी हाँ, मुझे मैं विश्वास रखता हूँ मारने में, ना कि बचने में, या फिर ना कि उसे कमजोर करके मारने में, मैं डायरेक्ट मतलब कोशिश करता हूँ मर जाता हूँ एक ही बार में। और यहाँ पर हमारी बटरफ्ली सीख चुकी है सुपरसोनिक, एंड इसका मैं यूज करने वाला हूँ ऐसे पोकेमोन्स पर। सो यहाँ पर पिकाचू भी 17 लेवल पर हो चुका है, एंड टीम ग्रन और ये भाई एकंस यूज कर रहा है, जहाँ पर मे बी कि मुझे पॉइजन तो नहीं हो, मतलब पॉइजन बॉडी तो नहीं हो पाएगी, बट मैं चेंज नहीं करना चाहता हूँ अभी पोकेमोन, तो नहीं हम यही रखेंगे। ओके तो एकंस आ रही है, एंड आ रहा है। ओके सो भाई ये क्या कर रहा है एकंस,
अब सुनो सुनो, ये बात है कि एकन से भी कोई भी अटैक करे अपने को मेगा पंच करना है, एंड अगर मेगा पंच करता हूँ तो ऐसा थोड़ी होगा कि ये फिजिकल अटैक है ना, मतलब कुछ भी हो सकता है। सो एक में इसका 50% गया, सेकंड ओके स्क्रीनशॉट मतलब पॉइजन स्टिंग की ना, मुझे पता है मेरी बॉडी पॉइजन नहीं यार, मत करना डैम इट यार, क्या कोई बात नहीं, चलो साइड में रखते इसे, एंड इसको बस एक मेगा पंच की जरूरत है, एंड भाई मुझे पता है मेरा हॉट पॉइजन है, कोई बात नहीं इसे हटो। सो एक ओके, क्या पॉइजन भाई क्या कर रहा है, रीस्टो लिटिल हेल्थ भाई, इसका मतलब समझ रहे हो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, तो ये अपनी एचपी बढ़ाती जाएगी। खैर इसे चाहिए एक, मैं शायद चाहिए, हाँ ये नया अटैक है पता तुम्हें, और मैंने इसका नाम दिया है उंगलीबाजी अटैक, जिसमें तुम उंगली हिलाकर कुछ भी कर सकते हो। और भाई ये क्या आउटरेज है, ओके आउटरेज भाई, इतना खतरनाक अटैक, लेकिन मेरी एचपी क्यों लॉस नहीं गई, वैसे यहाँ पर मेरे को TM46 मिला, और इसके बाद मेरे को रास्ते में मिलती है कौन, पहचानो कौन, मैं हूँ डॉन, और यहाँ पर हम अपने सारे पोकमोन्स की हीलिंग करा सकते हैं, एंड उसके बाद मेरे को मिलता है कुछ पोकमोन्स यानी कि जो लॉन्डे होते हैं उनसे बैटल होती है, एंड आखिर में एक अंकल होता है जो कि मुझसे हार जाते हैं, एंड हारने पर मेरे को देते हैं इन दोनों पोकमोन्स तो नहीं है, बेसिकली ये है एक फॉसिल, तो इन फॉसिल में से तुम्हें दोनों में से एक चूज करना होता है, तो मैं ये लेफ्ट वाला कुछ लिख कर ही नहीं आ रहा भाई, क्या करूँ फिर, मैं यही वाला लेता हूँ मैं वैसे ये देखते ये कौन सा, ये है हेलिक्स फॉसिल है ना, तो हमें इसे नहीं लेना, हम यही लेते हैं भाई, जो हमें दिखाई नहीं देता हम वही खड़ाएंगे। सो ये हमने ले चुका है, ये हमने ले चुका है, समझ रहे हो, ये हमने ले चुका है, अब अंकल की बारी है। क्या कभी कभार मैं भी क्या क्रिंज क्रिंज कर देता हूँ। सो आगे जाने वाला हूँ, हटना बे, ओके सो ये नीचे और एक कदम बस दूर, और ये हमें मिल चुका है एंटीडोट, जहाँ पर सच्चे पॉइजन का एंटीडोट है पता नहीं। सो यहाँ पर हम आ चुके हैं, एंड ये एम्प्टी मून को क्रॉस करने वाली लाइन है, और फाइनली सवेरा हो चुका है, आप समझ पा रहे हो। सो यार आज मैं बस यहीं पर रखने वाला हूँ, तुम्हें पता नहीं मुझे इस एम्प्टी मून को पार करने में कितना टाइम लगा। सो बाय एंड टेक केयर, चैनल पर रहने में सब्सक्राइब कर दो।